11th क्लास चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ सेट्स। हमने पहले इंट्रोडक्शन से कर लिया है और एक्सरसाइज 1.1 भी हमने कंप्लीट करी है। इसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स में हम सबसे पहला सेट देखते हैं एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट्स क्या होते हैं, इसे किस प्रकार से डिनोट किया जाता है और इसे हम कैसे पहचाने कि ये सेट्स एम्प्टी सेट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। सो एन एम्प्टी सेट इज ए सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट्स इनसाइड द सेट। वेरी क्लियर डेफिनेशन लिखी हुई है। दूसरा एग्जांपल अभी आपको डेफिनेशन में और देते हैं। द सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, खाली हो, ब्लैंक हो, उसे हम एम्प्टी सेट कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं या इसे वॉइड सेट भी कहते हैं। इसलिए ध्यान रहे, एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहा जाता है, एम्प्टी सेट को वॉइड सेट भी कहा जाता है, और एम्प्टी सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। तो हम इसे किस प्रकार से डिस्प्ले करेंगे, आइए। और इट इज़ डिनोटेड बाई या डिनोटेड लाइक कर्ली ब्रैकेट्स एंड देर इज नो एलिमेंट्स, या एक सिंबल होता है जिसे हम फाई का नाम लेते हैं। अगर हम एक्स इक्वल्स टू फाई लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो है सेट ऐसा सेट है जो एम्प्टी है, करेक्ट। आइए एग्जांपल देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर होता है। सेट ए इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन फाई बट लेस देन सिक्स। अब ध्यान से देखिए, कहा गया कि एक सेट है ए जहाँ एक्स की वैल्यू जो है वो एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 डॉट, ये नेचुरल नंबर होते हैं। यहाँ पर कहा गया कि लेकिन वो एक्स की वैल्यू ऐसी वैल्यू जो 5 से बड़ी हो लेकिन 6 से छोटी हो। अब 5 और 6 के बीच में कोई संख्या तो होती नहीं। अगर कोई संख्या होती है तो 5.4, 5.3, 5.6 ये होती है, और ये तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये डेसिमल नंबर है, या इसे इंटीजर कहेंगे, या नेचुरल नंबर से हटकर है। नेचुरल नंबर की बात हो रही है कि एक्स एक ऐसी वैल्यू जो नेचुरल है। नेचुरल में तो 1, 2, 3, 4 आएंगे बिना डेसिमल वाले, बिना नेगेटिव वाले, जीरो भी नहीं। सो 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। तो ए इक्वल्स टू क्या किया हमने, एम्प्टी सेट का सिंबल डाल दिया, फाई, राइट। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। सेट ई वेयर एक्स इसकी एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है, इक्वेशंस पर है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड एक्स इज ऑड। देखिए एक्स यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और उसमें देखेंगे कि ऑड, एक्स इज ऑड, इवन नहीं लेना है हमने। सॉल्यूशन अगर पहले देखें एक्स स्क्वायर टू 4 का, तो हमें x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी, x की वैल्यू 2 भी आएगी और माइनस 2 भी आएगी, करेक्ट। यहाँ पर कहा गया x इज ऑड, तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं माइनस 2 और जो 2 है दोनों तो इवन ही है, एक नेगेटिव वाला इवन और एक पॉजिटिव वाला इवन, ऑड तो है ही नहीं। ऑड के लिए तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही आने चाहिए थे, ये तो इवन है। सो इवन नंबर इसकी वैल्यू एक्स की केवल माइनस 2 और 2 ही बन रही है, और तो कोई वैल्यू आ नहीं रही, और तो कोई आ नहीं रहा। जब कुछ आ ही नहीं रही है वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि ई जो है वो एक क्या है, एम्प्टी सेट है। एक एग्जांपल और देखते हैं। सी सेट सी इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। देखिए तीन बातें कही गई हैं, एक तो कहा गया प्राइम नंबर, दूसरा कहा गया इवन, और तीसरा कहा गया है ग्रेटर देन 2। तो तीनों बातें सही होनी चाहिए, 2 से बड़ी भी होनी चाहिए, इवन भी होनी चाहिए और प्राइम भी होनी चाहिए। तो पहले हम प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर होते क्या है भाई, प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यानी कि जो अपने आप से और एक से डिवाइड हो जाए उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, और भी आगे होते हैं, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, इसमें इवन तो कोई भी नहीं है सिवाय 2 के, सब तो ऑड है। तो हम कह सकते हैं इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा तो कोई भी है ही नहीं जो प्राइम भी हो और इवन भी हो, क्योंकि 2 से बड़ा अगर हम इवन नंबर लेते हैं तो 4 है, तो 4 प्राइम नंबर तो है नहीं, 6 है,
प्राइम नंबर तो है नहीं, क्योंकि वो थ्री से भी जा रहा है, डिवाइड हो रहा है, टू से भी डिवाइड हो रहा है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि सी की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं बनेगी जो कि इवन भी हो, प्राइम भी हो और दो से बड़ी भी हो। तो बिकॉज टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट। सो आंसर में क्या आएगा, सेट सी जो है वो एम्प्टी होगा। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में कुछ नहीं है, इसमें सी जो है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। या इसे इस प्रकार से भी हम शो कर सकते हैं, सी इक्वल्स टू फाइव का निशान डालकर। तो मैं समझता हूँ कि एम्प्टी सेट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है आपको। आइए अगला सेट देखते हैं, फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स। क्या होते हैं फिनाइट और इनफिनाइट सेट? फिनाइट सेट्स वो सेट्स हैं जो फिक्स्ड हैं। कहने का अर्थ क्या है कि हम एग्जांपल देखें और साथ में हम इसके डेफिनेशन देखें। तो फिनाइट सेट्स आर द वन विच हैज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी क्लियर नहीं हुई बात शायद, फिर से देखें। सेट्स कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उसे आप गिन सकें कि ये 10 हैं, ये 50 हैं, ये 20 हैं, या 9 हैं, ये 8 हैं, गिनती हो जाए, जिसे हम टिप्स पे गिन लें वो फिनाइट है, जिसे हम नहीं गिन सकें वो इनफिनाइट है। सिंपल एग्जांपल देखें, ए इक्वल टू लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर तो क्लियर नज़र आ रहा है कि टोटल 9 सेट हैं, 9 एलिमेंट हैं सेट ए में। तो 9 एलिमेंट अगर हैं तो इसका मतलब क्या है, ये फिनाइट सेट है, फिक्स्ड वैल्यू है, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, काउंटेबल है, इनफिनाइट है ये। इनफिनाइट का मतलब एंडलेस, जिसका अंत ना हो। इनफिनाइट सेट्स आर दोज हुज नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, जिसके हम आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते कितने। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिख भी नहीं सकते, इनफिनाइट सेट लिख सकते हैं लेकिन हम उसे गिन नहीं सकते, राइट। बट इट हैज सम फिगर और नंबर, कुछ ना कुछ तो है, विच इज़ वेरी लार्ज, और इतने बड़े हैं कि उसे हम एक्सप्रेस करना जो है वो सेट में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम उसे एस्टिमेट नहीं कर सकते। एग्जांपल में देख लेते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कह लें कि सेट्स कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफिनाइट सेट है। ए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, अब डॉट 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 तीन डॉट डाल दिए, इसका मतलब है पता नहीं कहाँ तक, हमें नहीं मालूम। सो हमें नहीं मालूम लेकिन हैं, सेट एलिमेंट हैं लेकिन हमें नहीं मालूम कहाँ तक। जब ऐसी स्थिति आती है तो हम इस सेट को इनफिनाइट सेट कहेंगे। वेरी मच क्लियर। आइए इसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल ऑफ फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट, जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हैं और सोचते हैं शायद ये फिनाइट ही है या इनफिनाइट है। देखिए एग्जांपल के लिए, एग्जांपल नंबर वन देख रहे हैं, एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 100। अब यहाँ पर बच्चे सोचते हैं कि सर डॉट 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 लिखा है मतलब यहाँ तो गिनती नहीं है, पता नहीं आगे कहाँ तक। जैसे कि हमने कहा, यस हमें कहा है कहाँ तक, लेकिन आप देखिए इसका एंड क्या है, एंड 100 है। इट मीन्स 6 से लेकर 100 के बीच की संख्या हमने लिखी नहीं, उसको डॉट 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 में कन्वर्ट कर दिया गया। इट मीन्स वो है और वो काउंटेबल भी है, 7 8 9 10 अप टू 99 तक जाएगा, तो गिनती हो सकती है बड़े आराम से। तो एंड की वैल्यू हमें दी हुई है, जब एंड वैल्यू ना दी होती तो हम कहते हैं इनफिनाइट, लेकिन यहाँ पर इसे कहेंगे फिनाइट। वेरी मच क्लियर। बीच में डॉट 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 डाला गया है, संभावना है कि इनफिनाइट बन जाए, लेकिन ये फिनाइट है क्योंकि एंड की वैल्यू दी हुई है। आइए एग्जांपल नंबर दो देखें, एक्स सेट एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एन। बिलोंग्स टू एन का मतलब नेचुरल नंबर, एंड जहाँ भी हो इसका मतलब नेचुरल नंबर समझ लीजिए, यानी 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनाइट तक। तो x बिलोंग्स टू n एंड x की वैल्यू क्या है, x माइनस वन और x माइनस टू की इक्वल्स टू जीरो। इसे हम कैलकुलेट कर लें, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इक्वल टू वन। सेकेंड में दिया हुआ x माइनस टू इक्वल टू जीरो, दैट इज x इक्वल टू टू। सो x की वैल्यू दो आ गई, एक वन और एक टू, दोनों तो गिनती हो रही है, काउंटेबल है, काउंट कर रहे हैं हम। तो ये क्या होगा, x की जो सेट है वो क्या लिखेंगे हम, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1 एंड 2, टू एलिमेंट्स आर देयर एंड इट इज काउंटेबल, सो ये क्या है, फिनाइट सेट है। एग्जांपल थ्री देखिए, x जहां x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। अब यहां ध्यान दीजिए, x क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 ये होंगे x की वैल्यू,
और कंडीशन दी गई है एक्स स्क्वायर टू फोर, एक्स स्क्वायर बराबर फोर हो तो एक्स की वैल्यू दो आएगी, एक प्लस वाली टू और एक माइनस वाली टू, माइनस टू एंड प्लस टू। यहाँ पर कहा गया है एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग्स टू एन का मतलब एन नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव नहीं होती, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, केवल और केवल टू आएगी, माइनस टू नहीं आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो बिलोंग्स कहाँ कर रही है, एन पे, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब वन टू थ्री फोर फाइव अप टू इन्फिनाइट, नेगेटिव संख्या कोई भी नहीं। एक्स की वैल्यू दो निकली सॉल्यूशन करने पे, माइनस टू और प्लस टू, तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, केवल और केवल टू, एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन एक वैल्यू अगर आती है तो काउंट हुआ, और काउंट हुआ तो ये फिनाइट सेट है। चौथा एग्जांपल देखिए, एक्स बिलोंग्स टू एन एंड टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, और कंडीशन दी गई टू एक्स माइनस वन, इसे सॉल्व करें पहले। तो टू एक्स माइनस वन को सॉल्व करेंगे तो पहले वन जो है इक्वल के राइट साइड में चला जाएगा, टू एक्स इक्वल टू वन। अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो नीचे चली जाएगी, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, हाफ वन अपन टू। अब वन अपन टू तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो डेसिमल की वैल्यू आ गई पॉइंट फाइव। तो अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो एक्स की वैल्यू जो है वो कुछ भी नहीं होगी। हेयर एक्स इक्वल टू हाफ आ गया, इट मीन्स एक्स इक्वल टू फाइव, ये एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि एक्स की वैल्यू है ही नहीं यहाँ पर कोई भी, क्योंकि एक्स कहा गया है बिलोंग्स टू एन, कंडीशन में लिखा हुआ है एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल और हाफ जो है वो नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स इक्वल टू फाइव। लेकिन अगर आप फाइव लिखा भी है तो ये भी तो काउंट हो रहा है कि भाई ये एम्प्टी सेट है, लेकिन फिनाइट ही है, इन्फिनाइट तो नहीं कह सकते इसे हम, क्योंकि इन्फिनाइट होता तो हम गिनती नहीं कर सके, ये तो गिनती तो हो रही है ना, कुछ भी नहीं है, फाइव है, इट मीन्स ये फिनाइट सेट है, यानी एम्प्टी सेट इज ऑल्सो कॉल्ड फिनाइट सेट, ध्यान रहे। आइए पांचवा एग्जांपल देखें, एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज ऑड, वेरी सिंपल। एक्स जो है क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो क्या है, ऑड है। हेयर एक्स इक्वल टू वन थ्री फाइव सेवन डॉट डॉट डॉट, ये तो ऑड है, नेचुरल नंबर भी है। अब यहाँ पर डॉट डॉट लिख दिया कि अभी और भी हैं, अब यहाँ पर पता नहीं लग रहा कहाँ तक, तो ये सेट जो है वो क्या कहलाएगा, इनफिनाइट सेट कहलाएगा। तो मैं समझता हूँ कि फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट को बड़ी अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं कि फिनाइट सेट कौन से होंगे और इनफिनाइट कौन से होंगे। यहाँ पर एक छोटी सी और बात करने वाली थी कि एग्जांपल नंबर थ्री में हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो एक्स इक्वल टू टू आया, यानी ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, पहले वाले में दो एलिमेंट थे, सेकेंड वाले में दो एलिमेंट थे, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में बहुत सारे 100 एलिमेंट थे, थर्ड वाले में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर अगर एक ही एलिमेंट हो तो इसे हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, तो कितने प्रकार के सेट्स होते हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिंगलटन सेट कहाँ से बीच में आ गया, इंपॉर्टेंट इज दैट कि फिनाइट सेट में या किसी भी सेट में अगर एक सिंगल एलिमेंट है तो उस सेट को हम सिंगलटन सेट भी कह देते हैं। कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं और आंसर में सिंगलटन सेट लिखा है तो कहते हैं सिंगलटन सेट कहाँ से आ गया, हमें तो फिनाइट सेट पढ़ाया गया था, बिल्कुल पढ़ाया गया था, लेकिन फिनाइट सेट अगर अकेला है, केवल एक ही संख्या है उसमें, एक ही एलिमेंट है उसमें, एक ही मेंबर है उसमें, तो उसे हम सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं। सो द सेट विच हैज़ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, करेक्ट राइट। तो आइए तीसरा देखिए, इक्वल सेट वर्सेस इक्विवेलेंट सेट। अब दोनों देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, इक्वल सेट का मतलब भी बराबर और इक्विवेलेंट का मतलब भी बराबर होता है। तो पहले इक्वल सेट को देखें, व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम दे आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। अगर दो सेट हैं और एग्जैक्टली सेम है, अब एग्जैक्टली सेम का अर्थ क्या हुआ, एग्जैक्टली सेम का अर्थ हुआ कि अगर मान लीजिए सेट एक्स बराबर लिखा हुआ है थ्री फोर फाइव सिक्स, ये चार एलिमेंट दिए गए हैं, और सेट वाई बराबर दिया गया फाइव फोर थ्री सिक्स, इसमें भी चार एलिमेंट है, तो उसमें भी चार एलिमेंट, इसमें भी चार एलिमेंट, तब ये इक्वल सेट नहीं है। लेकिन उसमें जो चार एलिमेंट हैं, सेम चार एलिमेंट उसमें भी हैं, केवल ऑर्डर चेंज है। यहाँ पर थ्री फोर फाइव सिक्स एलिमेंट्स हैं एक्स के, यहाँ पर लिखा गया फाइव फोर थ्री सिक्स एलिमेंट्स हैं वाई के, हैं सेम ही, केवल उनका सिक्वेंस, उसका ऑर्डर
चेंज किया गया, उस एक्स में भी चार एलिमेंट, वाई में भी चार एलिमेंट, उनका ऑर्डर चेंज किया गया, बिल्कुल सेम सेम है। अगर ऐसी पोजीशन आती है तो ये यहाँ पर कह सकते हैं कि एक्स जो है वो वाई के बराबर है, यानी कि इक्वल है। सो हम यह कह सकते हैं डिटेल में कि टू सेट्स एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इक्वल। एक्स और वाई को हम तब इक्वल कहेंगे यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स इज द मेंबर ऑफ सेट वाई एंड इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ सेट एक्स, यानी कि सेट एक्स के सभी एलिमेंट सेट वाई में हों और सेट वाई के सभी एलिमेंट सेट एक्स के भी मेंबर हों। अगर ऐसी पोजीशन आती है तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे, और इसे हम डिनोट करते हैं एक्स इक्वल टू वाई के रूप में, करेक्ट। अब प्रश्न उठता है कि सर इक्विवेलेंट सेट क्या है? फिर इक्विवेलेंट सेट्स ये हैं कि टू फिनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू चार है और वाई की वैल्यू भी चार है, दोनों चार चार ही होती तो इक्विवेलेंट कहलाते, लेकिन एलिमेंट सेम ना होते। एग्जांपल देखिए, बहुत सीधे से क्लियर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 पांच एलिमेंट हैं और वाई के हैं ए ई आई ओ यू, ये भी पांच एलिमेंट है, लेकिन दोनों मिलते नहीं हैं आपस में ना मिलने, लेकिन दोनों में पांच पांच एलिमेंट हैं, तब यहाँ पर एक्स और वाई को हम कह सकते हैं कि दे आर इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट। एक यहाँ से एक लाइन निकल कर आती है नोट कि इक्वल सेट जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकते, करेक्ट। ये उसी लाइन को आप पढ़िए, समझिए, इक्वल सेट्स कैन बी इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स कैन नॉट बी इक्वल। तो मैं समझता हूँ कि टाइप्स ऑफ सेट में यहाँ तक काफ़ी है, और कुछ सेट्स इसमें भी रह गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।